बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ मोहम्मद तैयब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्रैवल विद तैयब। आज हम मौजूद हैं रियाज में, फराज बिन कासम में, और आज मौसम बहुत खुशगवार है, ठंडी हवा चल रही है और यहाँ पे आज बहुत रश है। हम आज आपको इसका विजिट करवाएंगे बाहर से और अंदर लेके जाएंगे, आपको अंदर से भी दिखाएंगे। तो चलते हैं अब अंदर की तरफ, चलाइए आपको अंदर लेके चलते हैं, अंदर से विजिट करवाते हैं आपको। ये देखें अभी आपको इंटीरियर का कुछ शॉप्स हैं यहाँ पे, ये दिखा रहे हैं। ये देखिए आप बेड वगैरह फर्नीचर आपको गार्ड का सस्ता मिलेगा यहाँ से, कपड़े की अलमारी और बहुत अच्छे यूनिक और खूबसूरत किस्म का बॉर्डर लगे हैं यहाँ पे। यहाँ के आपको पर्दे भी मिलेंगे बहुत अच्छे, कर्टन हर किस्म की चीज़ यहाँ से, हर क्वालिटी। और ये देखें इंटीरियर फर्नीचर भी है यहाँ पे, आपको दुनिया जहाँ की हर चीज़ मिलेगी यूज़ वाली, यहाँ पर सस्ती भी, चीप प्राइस में और अच्छी क्वालिटी में मिलेगी आपको। यहाँ देखें, यहाँ पे इंटीरियर के लिए आपको प्लांट्स मिलेंगे। अभी आप बोलो, आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। ये अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं, आगे एक चौक आएगा, यहाँ पे मस्जिद भी है। और ये अभी हम अंदर के जाएंगे, गुरफा नौम अल मुस्तमल, यानी बेडरूम जो यूज़ में होते हैं ना, ये अभी उनकी शॉप शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे उन्होंने एक सेक्शन बनाए हुए हैं हर चीज़ के लिए, फर्नीचर के लिए, ऑफिस फर्नीचर के लिए, बेडरूम के लिए, ड्राइंग रूम के लिए, और हर चीज़ के अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। अभी अब जिस सेक्शन में हम अभी दाखिल हुए हैं, ये बेडरूम के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको यूज़ में बेड मिलेंगे, जैसे इस शॉप में आप देख रहे हैं। ये यूज़ में बेड हैं सब, जैसे ये शॉप है, ये भी यूज़ में बेडरूम्स हैं इसके पास, जिसमें कपड़े की अलमारी, बेड, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं बाहर की तरफ और आगे एक मेन सर्कल आ गया, जिसमें मेरे ख्याल कपड़े वगैरह लगे हुए हैं। तो आइए आपको विजिट करवाते हैं अंदर वाली शहर से। अब यहाँ देखिए आपको यूज़ में कपड़े मिलेंगे और कुछ नए भी मिलेंगे आपको। ये चेक करें हैं ज़रा, क्वालिटी तो ठीक है। सर्दियों के लिए, सर्दियों के लिए ये कोट चढ़ेगा, राजा कर भाई, इसके अंदर फर भी है। कितने का भाई ये नया है, यूज़ में नया है कि यूज़ में है? पुराना वाला, पुराना वाला है। कितने का है? 70,000। हाँ 70,000 का, ठीक है। यहाँ पे छोटी छोटी रिफ्रेशमेंट शॉप्स बनी हैं, जहाँ पे कॉफ़ी, बच्चों के लिए बर्गर, चिप्स वगैरह भी आपको मिल सकती है। यहाँ पे भी बर्तन वाली दुकानें हैं फर्नीचर के बाद, तो इधर बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया भी बना हुआ है। ये देखें कितना खूबसूरत सा उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया आपको नज़दीक जाके दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे बच्चों के लिए रेंट पे गाड़ियाँ मिलती हैं, बच्चे लेके चला सकते हैं यहाँ पे। अभी ये स्ट्रक्चर आपको अंदर से दिखाते हैं कितना प्यारा बना हुआ। यहाँ से आपको यूज़ में क्लीन साफ़ करने वाली मशीनें मिलेंगी,
यूज में काम वाली मशीनें मिल सकती हैं आपको, ड्रिल्स वगैरह। ये देखें यूज में मशीनें भी हैं, पानी वाली मशीनें है मेरा ख्याल। यहाँ भी थर्मास वगैरह भी आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे फिर क्लीन शॉप करने वाली मशीन की शॉप है, और यहाँ पे पंखे वाली, यहाँ पे बर्तन आपको नए भी मिल सकते हैं और यूज़ में भी। ये नए का डिस्प्ले है और यूज़ बर्तन का दूसरी साइड पे डिस्प्ले है। यहाँ पे क्लीन की शॉप है और ये अरेबिक कपड़ों की दुकान है। ये तो बहुत बड़ा हराज है, ये ऐसा ही रात भी घूमे तो ख़त्म नहीं होगा हमारे से। ये सारे शेड वाले थे जो स्टॉल लगे हुए थे, शॉप्स बनी हुई हैं। अभी ये आउटडोर भी लगे हुए हैं, तो अभी आपको आउटडोर में कुछ दिखाते हैं कि क्या क्या सामान लोग बेच रहे हैं आज यहाँ। ये आउटडोर में भी काफ़ी आपको यूज़ में सामान मिलेगा चीप। ये देखिए जी यूज़ में शूज़ है और बहुत अच्छी क्वालिटी है, दिखाएं जी। ये सिलिकॉन वाला शूज़ है और अच्छी क्वालिटी में, ऐसा मैं तुर्की से भी लेके आया था। अंदर और सारी चीज़ें लेडीज पर्स वगैरह सब कुछ, हैंड बैग। ये देखिए अभी रात के तकरीबन 7:30 हो रहे हैं और आप आवाम का रश देखें। अभी लोग अभी शूज खरीद रहे हैं, ट्राउजर शर्ट्स खरीद रहे हैं। अभी तो जैसे इधर अभी दिन चला है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी टक शॉप्स मिलेंगी जहाँ से आप जूस वगैरह कुछ भी रिफ्रेशमेंट का सामान ले सकते हैं। देखें बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी आपको, ये छोटी छोटी। अंदर तो जो रश है था वो है ही था, आउटडोर में भी बहुत रश है। ये तो आउटडोर में बहुत रश है, अगर हम सारा कवर करना चाहें ये तो कवर नहीं हो सकता एक दिन में हमसे। यहाँ पे भी कुछ सामान की बोली लग रही है, जो ज़्यादा बोली लगाएगा उससे वो चीज़ मिल जाएगी। यहाँ भी बहुत रश है। ये अभी एक फ्राई पैन की बोली लग रही है। जिसकी जो ज़रा बोली लगाएगा उसे मिलेगा फ्राई पैन। ये देखिए आप, इनके भी एक दौर था, आज ये हराज में पड़ी हुई हैं यूज़ में। ये देखें पुराने टाइम के टेलीविज़न और कंप्यूटर के मोनिटर्स, पुरानी यादें वाबस्ता हुई इन्हें देख के आज। ये देखें नया फर्नीचर भी है। नए फर्नीचर की शॉप, बहुत अच्छा मटेरियल है इसमें और सॉफ्ट भी। अभी रात का काफ़ी टाइम हो चुका है, अब हम लोग दोस्त वापस जा रहे हैं। तो ये हराज तो बहुत बड़ा था, हम सारा नहीं कवर कर सके, तो मेरा ख्याल है कि इसे कवर करने के लिए तो काफ़ी टाइम चाहिए। खा पी के आना चाहिए, खाना खाने के बाद आना चाहिए। हाँ, तो आप लोग अगर रियाज में हैं तो हराज बिन कासम को ज़रूर विज़िट करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।